गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, थर्ड पार्ट चिल्ड्रन नेटवर्क का स्टार्ट करते हैं। जया एंड वेलू वॉक्ड अलोंग द रोड्स फॉर हाफ एन आवर। जया और वेलू सड़क पर लगभग आधा घंटा चलते हैं। अनटिल दे केम टू ब्रिज अक्रॉस अ डर्टी ट्रिकल ऑफ वाटर। जब तक कि वो ब्रिज को पार करके और एक गंदे पानी के तालाब के पास नहीं आ गए। वी आर इन अ ट्रिप्लिकेन नाउ। हम अब ट्रिप्लिकेन में आ गए। सी दैट ए बंकिंगम कैनाल सेट जया। और जया कहती है देखो वह बंकिंगम नहर है। वेलू स्टेयर्ड। वेलू देखता है दिस वॉज ए कैनाल ये नहर है। नियर सम पडल्स ऑफ वाटर वॉज अ रो ऑफ स्ट्रेंजेस्ट हट्स ही हैड एवर सीन। गंदे पानी के तालाब के पास कुछ लाइनों में बनी हुई अजीब सी झोंपड़ियाँ थी जो शायद ही उसने पहले कभी देखी हो। दे वर बिल्ट बट आउट ऑफ शॉर्ट ऑफ थिंग्स मेटल शीट टायर ब्रेक्स वुड एंड प्लास्टिक। तो वो झोंपड़ियाँ कई प्रकार की चीज़ों से मिलकर बनी थी जैसे कि धातु की चादरें टायर ईंटें लकड़ियाँ और प्लास्टिक के सामान से। दे स्टूड क्रूकडली एंड लुक्ड एज इफ दे वुड फॉल एनी मोमेंट। और वो सीधी खड़ी भी नहीं थी और ऐसा लग रहा था कि किसी भी क्षण वो गिर जाएगी। इज दिस वेयर यू लिव। इसमें तुम कहाँ रहती हो। दिस हाउसेज आर स्ट्रेंज सेट वेलू। वेलू कहता है ये घर बहुत अजीब है। In our village, the houses are made of mud and palm leaves. हमारे गांव में तो घर कीचड़ और ताड़ के पत्तों से बनाए जाते हैं। जया went around to one of the hut and dumped her sack outside. जया उनमें से एक झोंपड़ी में जाती है और अपनी बोरी को वहीं बाहर डाल देती है। Then she picked up an empty one. और फिर वो एक खाली बोरी उठा लेती है। लेट्स गो चलो चलते हैं। शी टर्न टू वेलू एंड गिव हिम अ शॉव। और वो वेलू की तरफ मुड़ती है और उसे एक धक्का देती है। एट लीस्ट हेल्प मी नाउ। अब कम से कम अब तो मेरी सहायता करो। हेयर वेयर दीज एंड कम विद मी। लो इनको पहनो और मेरे साथ आओ। शी थ्रू हिम ए पेयर ऑफ ओल्ड शूज विदाउट लेसेस एंड पुश्ड ए सैक एंड ए स्टिक इनटू हिज हैंड। वो एक पुराने जूतों की जोड़ी जिन पे लैस नहीं है बिना लैस के जूते उसकी तरफ फेंकती है और एक बोरी और एक छड़ी भी उसको देती है। वेलू वॉज कन्फ्यूज्ड। वेलू असमंजस में है। वट वर्क डिड शी वॉन्ट हिम टू डू विद दीज थिंग्स। वो इन चीज़ों से कौन सा काम करवाना चाहती है। द ओनली वर्क ही हैड एवर डन वॉज ऑन द लैंड ओनर्स फार्म वीडिंग एंड टेकिंग काउस आउट टू ग्रेज। उसने पहले कोई काम किया है तो वो है अपने जमींदार के खेतों में खरपतवार को निकालना और उनकी गायों को चराना। आर देयर एनी फार्म्स इन द सिटी ही आस्क जया। और वो जया से पूछता है क्या शहर में कोई खेत है। शी लाफ्ड एंड थम्प्ड हर स्टिक ऑन द ग्राउंड। फार्म्स। और अब जया हंसती है और अपनी छड़ी को जमीन पे मारते हुए कहती है खेत। देयर आर नो फार्मर्स हियर वी आर रैग पिकर्स। यहाँ पर कोई किसान नहीं है हम कचरा चुनने वाले हैं। रेग पिकर्स माने होता है कचरा चुनने वाले। रेग पिकर्स कचरा चुनने वाले। सी माई सैक मेरी बोरी को देखो फुल ऑफ थिंग्स आई कलेक्टेड चीज़ों से भरी हुई है जो मैंने इकट्ठी की थी। कलेक्टेड फ्रॉम वेयर आस्क्ड वेलू। वेलू पूछता है इकट्ठी की कहाँ से। फ्रॉम रबिश बीन वेयर एल्स। तब जया कहती है कि रबिश बीन से मतलब कचरे के डिब्बे से की है और कहाँ से की है। यू कलेक्ट रबिश। वेलू हैड एवर हेयर्ड सच ऑफ थिंग। तो वेलू ने ये चीज़ कभी नहीं सुनी थी तो वो पूछता है कि कचरे से चीज़ें इकट्ठी की है। ए ब्लॉक हेड। अब जया उसको कहती है कि ए मूर्ख इट इज़ नॉट एनी रबिश कि ये कोई कचरा नहीं है। ओनली पेपर प्लास्टिक ग्लास सच थिंग्स कि ये तो कागज़ है प्लास्टिक है ग्लास है ऐसी चीज़ें हैं। वी सेल इट टू जाम बाजार जग्गू कि हम इसे जाम बाजार के जग्गू को बेच देते हैं। वेलू वॉज पजल्ड। अब वेलू बहुत ही ज़्यादा असमंजस में पड़ गया है। ही हैड हेयर्ड ऑफ पीपल थ्रोइंग अवे रबिश। उसने लोगों को कचरा फेंकते हुए तो सुना था बट वाई वुड एनी वन वॉन्ट टू बाय रबिश लेकिन कोई कचरा खरीदेगा क्यों। हुज जाम बाजार जग्गू ये जाम बाजार का जग्गू कौन है। वाई इज ही बाइंग ऑल दीज वो ऐसी चीज़ें क्यों खरीदता है। यू थिंक ही बाइज इट फॉर शो ही सेल्स इट टू अ फैक्ट्री। तो अब जो जया कहती है कि तुम क्या सोचते हो वो इसे दिखाने के लिए खरीदता है वो इसे फैक्ट्री में बेचता है। कम ऑन आ जाओ आई डोंट हैव टाइम टू वेस्ट लाइक यू मेरे पास तुम्हारी तरह समय बर्बाद करने के लिए नहीं है। वेलू डिड नॉट मूव अभी वेलू हिला नहीं वहीं पर खड़ा रहा। ही हैड नॉट रन अवे एंड कम टू दिस न्यू प्लेस टू डिग थ्रू गार्बेज बीन्स
तो वो घर से भागकर इस जगह पे यहाँ कचरा चुनने के लिए या कचरे में फेंकी हुई चीज़ों को उठाने के लिए नहीं आया था। जया पोक्ड हिम विद हर स्टिक्स। अब जया उसे अपनी छड़ी से हिलाती है। लुक हेयर, देखो यहाँ पे, शी शाउटेड, वो चिल्लाती है, इफ़ समवन गेट्स देयर बिफोर अस वी डोंट गेट एनीथिंग, कि हमसे पहले अगर कोई वहाँ पर पहुँच गया तो हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। जो डोंट जस्ट स्टैंड देयर पोजिंग बिग हीरो, तो वो कहती है कि तुम किसी बड़े हीरो की तरह वहाँ पोज बना के केवल खड़े मत रहो। आई एम ट्राइंग टू हेल्प यू, मैं तुम्हारी सहायता करने की कोशिश कर रही हूँ। ही हु फिल्ड योर स्टोमक टूडे, तुम्हारा पेट आज किसने भरा। वेलू स्क्रैच्ड हिज हेड एंड साइड, अब वेलू अपना सिर खुजाता है और एक सांस लेता है। आई विल डू फॉर इट नाउ, ही थॉट, वह सोचता है कि मैं केवल इसे अब के लिए कर लेता हूँ। अनटिल आई फाइंड ए बेटर जॉब, जब तक कि मुझे एक अच्छा काम नहीं मिल जाता। ओके बच्चों, हमारा लेसन ख़त्म हो गया और इसके राइटर हैं गीता वुल्फ। थैंक यू।